बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये देखें, हमारे पंजाब पुलिस के जवान जो हैं बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए। और ये पीटीआई के कारकुन हैं जो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, और ये निकले हैं इमरान खान साहब की काल पे। ये आपको मंजर दिखा रहे हैं ज़ीरो पॉइंट पुल पर, जो वफाकी दारुल हुकूमत का नुक्ता आगाज़ तसव्वुर किया जाता है। श्रीनगर हाईवे से पीटीआई के कारकुनों को ये यकीन है कि यहाँ से इमरान खान काफ़िले की सूरत में आएंगे और डी चौक तक जाएंगे। पीटीआई के बहुत से कारकुनों से हमें जो बात करने का मौका मिला है, उन्हें अभी तक मंजिल का पता नहीं है कि श्रीनगर हाईवे पर इमरान खान धरना देंगे या जलसा करेंगे या फिर डी चौक जाएंगे। डी चौक तक पहुंचने के लिए वफाकी हुकूमत की इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें खड़ी की हैं, और जिसके नतीजे में अभी तक जो नए आने वाले हैं इस्लामाबाद शहर में दाखिल होने वाले लोग हैं, उन्हें पता नहीं है कि उन्हें किस तरफ जाना है। ये हमारे पंजाब पुलिस के जवान हैं जो इंतहाई पोलाइटली अच्छे अंदाज़ में लोगों को मुंतशिर करने के लिए अपना काम कर रहे हैं, ताकि झमघटा ना लगे और अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। नाज़रीन, ये नारेबाजी आपने सुनी होगी। नाज़रीन, हम आपको मज़ीद अपडेट्स भी देते रहेंगे। ये टोलियों की सूरत में तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं ये अपना शो कर रहे हैं। ये अभी तक हुकूमत के इंतजाम, हुकूमत के जो सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए गए हैं, उसके नतीजे में अभी तक किसी बड़ी रैली की सूरत में सूरत हाल सामने नहीं आई अभी तक। ये वो मरकज़ी जगह है जहाँ से ये सारे काफ़िले जलसागाह की तरफ जाया करते थे, लेकिन आज शायद सख्त हिफाजती इकदाम, नाकाबंदी
और कंटेनर्स की वजह से ये अपने मकसद में अभी तक नाकाम नज़र आते हैं। छोटी छोटी टोलियों की सूरत में इंतजाम कर रहे हैं। पीटीआई की ख़वातीन भी एहतजाज में शामिल हैं, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।